तो गाइस ये देखिए आप, ये रावण की मतलब एक मूर्ति देख रहे होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। गाइस आज आप लोगों को और मैं ब्राइट दिख रहा हूँगा, उसका राज मैं आपको नहीं बताऊंगा। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं रामलीला के सबसे फेमस मेले, बीसलपुर का सबसे फेमस मेले में जा रहे हैं, जो कि रामलीला का मेला है। वो आज आप लोगों को दिखाएंगे हम। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेले में। ये हमारे भाई हैं। भाई नाम बताओ अपना। मेरा नाम आदित्य है और मैं शशांक भाई के साथ यार मेले देखने आया हूँ यहाँ पे। और हमें आज यही घुमाएंगे मेला, क्योंकि हमने तो यहाँ पे मेला कभी किया मतलब आए नहीं है कभी भी इस मेले में। हम फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और देखते हैं कैसा क्या है। फिलहाल अभी इसकी स्टार्टिंग हुई ना मेले की? स्टार्टिंग अभी कुछ ही दिन हुए है, इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन ही भी ओपनिंग हुई है। और एक हमारे पीछे चल रहे हैं भाई, ये वाले चल रहे हैं भाई, ये भी हमारे भाई। क्या नाम है भाई आपका? संजू कोहली। क्या बनते और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है तो मेरा भी भाई, इनका भी भाई का चैनल है। इनका किस नाम से? दीपेंद्र यूसी, सर्च करें आप भाई। हाँ इनका है दीपेंद्र यूसी, तो इनका भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो हम लोग अभी घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको भी दिखाएंगे जो भी बहुत कुछ यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। किधर किधर जाना है पहले ये बताओ। बहुत सारी गलियाँ हैं, देखते हैं। हाँ पहले हम अपना बैक कैमरा चालू करते हैं, उससे करते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस, पहले तो आप ये शॉप्स देखिए कितनी मतलब यहाँ पे सभी कुछ अच्छा अच्छा मिल जाता है। और ये देख लीजिए दुकानें अभी लग रही हैं। हाँ कुछ डे में ओपन नहीं होती हैं, नाइट में ही ओपन होती हैं। यहाँ पे रात का ही मेला है, दिन का मेला ही कहाँ है। और डे में मतलब ज़्यादा तो आते भी नहीं है, गर्मी होती है ज़्यादा, इसी चक्कर में नहीं आते हैं। ये देखिए कुछ तो शॉप अभी लग रही हैं, लगी नहीं है। और ये हम लोग क्या बैक साइड में आए क्या? एक साइड में दो साइड से मेला लगता है। अच्छा दुकानें लगती हैं और एक साइड में जो होते हैं झूले वगैरह जो बच्चों के खेलने वाले होते हैं वो चीजें वहाँ लगती हैं। दो साइड में पोर्शन बटा हुआ है इस मेले का। अच्छा तो अभी हम इस वाले पोर्शन को एंजॉय करते हैं, ठीक है? आपको सारी चीजें दिखाते हैं गाइस। तो ये देख लीजिए इसमें यहाँ पे बच्चों के सामान मिलते हैं। और यहाँ ये दो पार्टीशन में लगता है मेला। अभी आप ये देख रहे हैं जो इसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा पता नहीं कहाँ लगा है, अभी देखते हैं वो भी कहाँ लगा है। अभी तो फिलहाल यही हिस्सा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और सब सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये देख लीजिए शॉप्स लग रही हैं यहाँ पे, सब लोग अपनी अपनी शॉप लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से डेकोर कर रहे हैं उसको। क्यों, क्या नाम है? अरे दीपेंद्र, उसको बुला लो, अनुभव को डेकोर कर देगा। यहाँ उसको, हाँ उसको बुलाते हैं यहाँ पे डेकोर करने के लिए। वैसे भी डेकोर करने में बहुत वो है स्मार्ट। तो ये देख लीजिए सारी दुकानें यहाँ पे लग रही हैं। और अभी आपको दिखाते हैं मतलब कहाँ पे रामलीला खेली जाती है, सब कुछ दिखाते हैं अभी आपको। वो थोड़ा नाइट का प्रोग्राम रहता है गाइस, तो अगली बार हम शूट करेंगे तो नाइट का करेंगे। अभी हम आपको सब दुकानों का क्योंकि दोनों का पता होना चाहिए ना, डे और नाइट दोनों का पता होना चाहिए कि डे में कैसा आ रहा है नाइट में कैसा आ रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, और काफी अच्छा मेला लग रहा है मेरे को, काफी बड़ा लग रहा है ये तो। क्या हाँ बस ये थोड़ी बारिश ने हालत खराब कर दी है मेले की। इधर इधर चलना है तो अभी पहले इधर चलते हैं। और ये देखिए शॉप्स लग रही हैं, अभी ये स्टार्टिंग ही हुई है मेले की अभी। हाँ ये वो हर चीज 10 रुपए में, हर चीज 10 रुपए में, बहुत तगड़ा एकदम। और यहाँ मेले का लुत्फ उठाते हुए ये इनको सब कुछ फ्री में मिलता है, इनको सब कुछ फ्री में, इनका सब फ्री है भाई। योगी जी के फैन है ये सारे। हाँ ये योगी जी के फैन है। छोड़े ना यहाँ पे सारी एंटीक क्लॉथ्स वगैरह हैं। हाँ ये देखिए क्लॉथ्स और सब, ये देख लीजिए आप। ये तो इस पे कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पॉपट हो गया। और भाई देखिए ट्राई कर रहे हैं, सही नहीं है भाई, मजा नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए ये सब बढ़िया है। और दीपेंद्र भाई मजा तो वैसे आ रहा है यहाँ।
बहुत एंटीक है, अभी तो सारी चीजें ओपन होती हैं, अभी तो कुछ नहीं देगा कि ये किस्सा देखा है मेले का। मेले के 100 हिस्से, हम 100 हिस्से आपको दिखाएंगे भाई। मेन चीज धूप है, मेन चीज। हाँ भाई, ये चीज तो कभी तो दिन में शूट नहीं करना चाहिए। अगला जो हम नाइट का ब्लॉग करेंगे वो अपना बहुत बढ़िया है, पर दिन का भी दिखाना था कि दिन में कैसा लगता है। अगर दिन का भी नहीं दिखा रहा तो भी बेकार रहता ना। और ये देख लीजिए, 10-10 रुपए में चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे। हर माल 10 रुपए, 10 रुपए। ये देख लीजिए भाई साहब, 5 रुपए में चीजें ले जाओ, बताओ 5 रुपए में। तो अभी तो फिलहाल ऐसे चल रहे हैं हम लोग, बाइक लगा दी है पार्किंग पे अपनी। अभी ये दिन से तो गए थे यहाँ से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो, मतलब जो लोग खिंचवाना चाहें वो खिंचवा सकते हैं, फिलहाल हमें तो खिंचवाना नहीं है। और यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, और जो कि हम लोग नहीं झूलेंगे भाई, अभी नहीं। हाँ अभी नहीं झूलेंगे, चालू नहीं करा है। हाँ अभी ये चालू ही नहीं है, तो झूलेंगे, झूलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। यहाँ आइसक्रीम खा सकते हैं यहाँ पर अभी नहीं खाएंगे। अभी ये देख ली, ये हमने बचपन में बहुत झूला है, ये बचपन का झूला है, मम्मी से लड़ लड़ के पैसे ले रहे हैं, ये बचपन का झूला है। अब हम देख रहे हैं इसको, यहाँ पे 2-3 बच्चे झूलते हुए भी हैं। हाँ ये देखिए, ये बच्चे झूल रहे हैं। और ये भैया झुलाते हैं झूला। कितने रुपए है भैया किराया? 20 रुपए, मात्र 20 रुपए। अरे और उस टाइम में 20 रुपए बहुत लगते थे, उस टाइम कहते पाओ झुला दो, पाओ कहते बोले अरे नहीं। बच्चों की एक बोट, हाँ ये बच्चों वाली बोट सफारी है, देखिए ये देखिए। अब बच्चे कुछ कर भी रहे हैं यहाँ बोटिंग, देखिए ये देखिए, ये बच्चे बोटिंग कर रहे हैं भाई। दीपेंद्र भाई हमारे देख रहे हैं, मन कर रहा है यार, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो सब तो देख लिया है। और अब चलते हैं और आगे आ जाओ भाई, ये बच्चों वाला मामला था यहाँ पे, थोड़ा बड़ा वाला देखते हैं, और बड़े वाला मामला देखते हैं। अरे ये है मिक्की माउस, जो कि अभी फिलहाल हमें ये फूला हुआ नहीं है, हवा नहीं पड़ सकती है। दो दो मिक्की माउस सकते हैं इसका मतलब, पानी वाला ही होगा। हाँ ये भी पानी वाला ही है, मतलब दोनों एक, देखिए इधर भी लगता है मिक्की माउस, कितने मिक्की माउस है भाई। बच्चे काफी आते हैं ना, हाँ बच्चे काफी आते हैं। हाँ अरे ये तो चालू ही नहीं कर रखा है अभी, जो कि ये है मैजिक शो, ग्रेट स्टार मैजिक शो, जो कि अभी चालू नहीं है। ये देख लीजिए आप, मैजिक शो है, इसके प्रिंट तो छुटे हुए हैं। और ये है बड़ो वाला मामला, जो कि अभी चालू ही नहीं है। तो ये कब चालू होगा भाई? यहाँ पे मिक्की माउस काफी ज्यादा देख, ये भाई आपको 6 बजे के बाद से जो है स्टार्टिंग होता है, 6 बजे के बाद से आप इस पे राइडिंग कर सकते हैं, और ये 12:30-1 बजे तक ऊपर रहता है। मिक्की माउस काफी होता है, कि बच्चे ज्यादातर यही इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये है मिक्की माउस, और बच्चे काफी इस पे एंजॉय करते हैं। और ये है क्या है, ये जादूगर है, जादूगर सरकार। ओ हो, यहाँ पे ये मैजिक शो होता है, यहाँ पे होता है मैजिक शो। ऐसे काफी बड़े एरिया में बना रखा ना भाई, काफी बड़ा एरिया, तभी तो दो पार्ट मैंने बोला था ना आज से, इसके दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट उधर होता है, क्योंकि एक पार्ट में तो सारी दुकानें आ पाती हैं, और दूसरे में इतना सारा ब्रेक डांस हो गया, और ये मौत क्या यार, ये झूलना था, ये चालू ही नहीं हो गए, और ये बड़े झूले हो गए, तो ये सारे एक पोर्शन, ये चालू ही नहीं होता, ये वाला झूलना था, ये चालू। और यहाँ पे और ये देखिए, ये आ गया पहाड़, जो कि हम इधर से जाएंगे। बड़ो वाला मामला तो कोई चालू ही नहीं कर रहा, एक गाइस ये देख दीजिए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए मामला है यहाँ पे, और इसको चलाने के लिए किसी बस, हाँ बस ऐसे हाथ मारो और चल देता है, और कुछ नहीं करना होता इसमें, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है भाई। इसमें क्या लगता है, हाथों की इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 440 वोल्ट से भी ज्यादा लगता है मेरे को लगता है इसमें। ये है ब्रेकिंग डांस, वो कौन सा डांस है यार, भूल गया मैं यार इसे, बट जो भी है अच्छा है यार, इसका नाम मैं भूल गया यार। हाँ ब्रेक डांस, ब्रेक डांस दूसरे टाइप का, यार ये दूसरे टाइप का है यार। और ये आया मौत का कुआं, ये आ गया मौत का कुआं हमारा, जो कि ये सब चीजें हमें वहाँ देखने को मिलती थी हमारे पीलीभीत में,
जो इस बार जो है कोर्ट में मामला पहुंच गया, इस वजह से हमें देखने को नहीं मिला है क्योंकि दो कमेडियों के बीच झगड़ा हो गया था ना, इस वजह से मामला कोर्ट में पहुंच रखा था। इस रूप में शूट करने आए इस चीज़ को क्योंकि हमें वहाँ पीलीभीत में देखने को नहीं मिला, तो हमारे यहाँ मिल जाता है। यहाँ शोर तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है ना, अभी रात में तो और शोर होगा। तो फिर हम चलते हैं आगे, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें देखते हैं, आ गए हैं, बहुत तेज भूख लगी है। अब यहाँ पे तो सब जो देखना था वो देख ही लिया, आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। हम एंजॉय करेंगे तो अगले ब्लॉग में हम सारे झूले झूलेंगे क्योंकि अभी डे में चालू नहीं है, तो अब रात में ही आएंगे, रात में ही चालू होगा तो रात में ही झूलेंगे। लेकिन दिन के व्यू से नाइट का व्यू बहुत अच्छा होता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह जो होती है सारी ओपन होती है और ये इस टाइप की सनलाइट जो है कैमरे पे नहीं पड़ती ना चेहरे पे पड़ती है, रात का मतलब सही रहता है। पर दिन का भी हमने सोचा चलो आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको ट्रेन दिखाना भूल गई, ये है हमारी ड्रैगन ट्रेन है। कौन सी है? ड्रैगन ट्रेन, ये है ड्रैगन ट्रेन जो कि सब कुछ अभी बंद है, रात में खास 6 बजे के आसपास चालू होता है, अभी फिलहाल चालू नहीं है कुछ भी। हाँ ये वाला, ये कितना तगड़ा है, ये कुल मिला के 7-8 झूले हैं हमारे। हाँ है बेटा, और बेटे ठीक हो? ठीक है बेटा, ये तो आप चलते हैं और क्या शूट करना चाहेंगे? हाँ ये शूटिंग है, ये यहाँ पे आप गन चलाना चाहो तो चला सकते हो, फिलहाल नहीं चलानी है हमें। काफी चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं करने हैं हमें। और यहाँ पे अपने टिक्की विक्की जो भी खाना है वो खा सकते हो आप, हैं यहाँ पे चाउमीन टिक्की, चाउमीन टिक्की विक्की जो खानी है वो खा लो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। फिर हम लोग बाहर आ गए ना, अभी एक पोर्शन था, यहाँ दोनों पोर्शन हो गए, दो पोर्शन कंप्लीट कर दिए। ग्राम होता है ना यहाँ पे खेला जाता है। अच्छा, यहाँ पे रावण मारा जाता है। कहाँ पे मारा जाता है रामा? यहाँ सामने का, ये यहाँ पे रावण मारा जाता है, फिलहाल अभी बने नहीं है। तो ये बनेंगे कब? 5 तारीख को मारा जाएगा रावण। तो अच्छा, बैरिकेडिंग लग जाता है जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे शूटिंग होती है, जैसे वो अपनी लीलाएं दिखाते हैं, मतलब 7-8 दिन का प्रोग्राम होता है जैसे। तो अभी फिलहाल यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, नाइट से शुरू है क्योंकि 6-7 तारीख में जो है बंद हो जाएगा ना मेला, जब नाइट वाला ब्लॉग शूट करेंगे हम तो हमें उसमें देखने को मिलेंगी सारी चीजें। अच्छा, तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा जो होता है, यहाँ क्या करते हैं? ये अशोक वाटिका में हो सकता है, और वो शायद ये अशोक वाटिका ही है, वो इधर वो लंका है सामने जो है, वो सामने लंका है, ठीक है, वो लंका है सामने वाली, ये वाली गाइस देख लीजिए, ये लंका है। और ये सब मतलब यहीं पे सब खेलते हैं, यहीं सारा होता है, यहीं पे सारा जो भी प्रोग्राम होता है वो। अगर तो गाइस ये देखिए आप, ये रावण की मतलब एक मूर्ति देख रहे होंगे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है जो कि हमारे दीपेंद्र भाई बताएंगे। ये लाला गंगा बिशन थे जो यहाँ पे रावण का रोल प्ले करते थे, तो इनको जब शूटिंग चल रही थी एक बार में तो इनका साथ कुछ हादसा ऐसा हो गया कि ये वहाँ पे इनकी वहाँ डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उनकी स्मृति। मैंने ये सुना है कि इनकी शायद इनको हार्ट अटैक पड़ गया था उस दिन, उसी दिन करते टाइम पे, उसी दिन। हाँ, तो मतलब कहा गया कि रावण का, तो इसीलिए इनकी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। और ये इनका आप देख सकते हैं, ये है फुल प्रूफ के साथ। तो गाइस आपने भी ये देख लिया होगा, अब यहाँ हम थंबनेल ले लेते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तो नाइट ब्लॉग भी एक बार जरूर लेके आएंगे हम लोग उसका, अगर आप लोगों की कमेंट्स आती हैं तो, और कमेंट्स करेंगे तो हम जरूर लाएंगे इसका ब्लॉग। बाकी शशांक सक्सेना चैनल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें एंड दीपेंद्र यूसी आपको। हाँ, अगर कॉमेडी वीडियो देखनी है तो दीपेंद्र, तो इनके चैनल पर जाएं अगर कॉमेडी वीडियोस देखनी है तो। और भाई ने अभी नया नया चैनल मतलब चालू किया है, इनको भी सपोर्ट दिखाइए, बहुत अच्छा था। दीजिए आप, बाकी हम लोग कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। इनका जो चैनल का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, आपने पूरा देख लिया होगा ये, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।